चार बच्चे की माँ के सर पर प्रेम का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसके पति ने ही उसकी प्रेमी से करवा चौथ के दिन शादी करवा दी। समूचा मामला भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गनगनिया की है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की खुशी के लिए उसको अपने प्रेमी के साथ विदा कर 7 जन्मों का वादा वापस ले लिया। गनगनिया के ग्राम कचहरी में ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। श्रवण ने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरा करवा कर शादी करा दी। इस दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 2012 में श्रवण की शादी बांका के फुल्ली डूमर में पूजा नामक युवती से हुई थी, जिसके बाद पूजा ससुराल आई और यहां उनकी मुलाकात छोटू से हुई, जिसके बाद दोनों में इश्क हो गया और ये इश्क परवान चढ़ गया। इधर श्रवण और पूजा के 4 बच्चे हुए तो उधर पूजा और छोटू में प्रेम प्रसंग चलता रहा। ग्राम कचहरी में कागजी प्रक्रिया के साथ पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आखिरकार शादी कर विदा कर दिया। रुकिए एक मिनट, बोलिए राजीव खुशी से कोई जबरदस्ती से नए सिग्नेचर कर रहे हैं? बोलिए उठाइए सर, उठा के फोटो खींच करा। बोलो कि हम रखेंगे राजीव खुशी से। साइन के लिए लो जाते बढ़िया जा। तारीख 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 नहीं जमीन तारीख आज से बोलो ना, उधर बोलो ना, हम तो बोल रहे हैं नीचे नीचे बोलिए। बोलिए आज से छोटू कुमार को मैं अपना पति स्वीकार करता हूँ। आपका अंत हो, कलयुग का अंत है, आपका नहीं कलयुग का अंत। चार बच्चे अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।